रहता का उल्टा चश्मा। स्कूली हम एक बजने के पहले आगे छोड़ेंगे की गैराज। यार पहुंच तो गए, कितना यार ये गेटअप है ना बहुत इरिटेट कर रहा है यार, अनकंफर्टेबल। अब तेरे साइज में यही गेटअप अवेलेबल था भाई, और कुछ मिल ही नहीं रहा था। अगर तुझे नहीं पहनना है ना तो तू बोल दे, हम ये मिशन कैंसिल कर देते। क्या मिशन कैंसिल कर देते, तू कैसी बातें कर रहा है? मिशन तो करना ही ना, ऑब्वियसली दोनों को प्रूव करना है कि मैं सही था, और ना ही मैं बेवकूफ बनाऊं ना ही मेरा मजाक उड़ाया गया। हां गुली, ये अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे यार। यार वही कि पीड़े अंकल और सूर्य अंकल शोरूम के लिए निकल तो नहीं गए, तो हमारा पूरा मिशन फ्लॉप। अरे नहीं 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 यार, ऐसा प्लीज मत बोल। रुक जा, मैं गैराज में जाके पूछ के आता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये लेडीज के गेटअप में गैराज में जाके क्या पूछेगा? नहीं नहीं बोली भाई, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तू यहीं रुक, हम यहीं वेट करते हैं। अंकल ने तो हमें पहचाना ही नहीं, हमारा मिशन और इजी हो गया। ओ पीड़ू, तू आ गया। चलो थैंक गॉड, पीड़े अंकल ने ना पहचाना और ना ही पीड़े अंकल और सूर्य अंकल मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू शोरूम के लिए निकले। अब हम क्या करेंगे यार गुरी? पीड़े अंकल आए तो सही, अब मुझे तेरी बात पे 110% भरोसा है। देखना अब पीड़े अंकल सूर्य अंकल क्या करेंगे, और प्रूव कर दूंगा मैं। चल इनका पीछा करने के लिए टैक्सी ढूंढ के रेडी रखते। लस्सी वस्सी मंगाओ। ए, फिर से लस्सी? घर पे भी लस्सी, यहाँ भी लस्सी, लस्सी की कितनी मार्केटिंग करोगे सोड़ी? लस्सी नहीं चाहिए मुझे, मेरा बैंक का काम हो गया है, हमें कार के शोरूम में जाना है, तुम तैयार हो ना? हाँ चल निकलते। किसमें जाना है? अरे यारा, अरे तेरी सवारी मेरी दोस्त इकट्ठी है, इसी में जाएंगे, इसी बहाने इसकी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी। ओए हैप्पी, तो ग्राहक का ध्यान रखी, मैं घंटे भर में आता हूँ। हम बिल्कुल पास आया बिडू। फिर इनकी गाड़ी तो निकल गई। हाँ चलना टैक्सी में बैठना। हाँ तो जल्दी कर बोली यार, उस गाड़ी का पीछा करो। अगर क्या कोई लफड़ा है? क्या कोई लफड़ा ना है भाई साहब? लफड़ा नहीं है तो फिर पीछे क्यों करना है? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे भाई साहब कोई गड़बड़ ना है, असल में बात ऐसी है कि वो गाड़ी में ना हमारे चाचा साहब हैं, और उनका मजाक करने के लिए उनका पीछा करना है। तो बात ऐसी है भाई साहब कि मेरे चाचा साहब गाड़ी खरीद रहे हैं, और उन्होंने ये बात अपने चाची साहब को नहीं बताई। चाची साहब भड़क गए, उन्होंने बताया कि जाओ चाचा साहब का पीछा करो और पता लगाओ वो कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो जाना बहुत जरूरी है, आप जल्दी चलाइए ना। चलिए भाई साहब प्लीज। इतनी खुशी, इतनी खुशी, ओए पिड़ू सोच के मैनु कितनी खुशी हो रही है कि मेरा यार मेरा पिड़ू गड्डी ले रहा है। लेकिन पिड़ू ओए गड्डी आ जाने के बाद हम यारों को पार्टी शारी देनी पड़ेगी। हाँ वो तो बाकी बात है सॉरी, पहले गाड़ी पसंद तो आने दे। ओए ओए आएगी, पसंद आएगी, ओ मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू जगह ही ऐसी है। जल्दी चलाइए ना अंकल। कैरेक्टर कैरेक्टर भैया इतना भी जल्दी मत चलाइए, चाचा साहब की गाड़ी से आगे क्यों में जाना है। आजा पिड़ू आजा, देख मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू के कार शोरूम है। तो नए कार के शोरूम जैसा लग रहा है भाई। और नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी वैसी जगह थोड़ा ना लेके आऊंगा। चल
किधर गए किधर गए? देख 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 अंदर जा रहे अंदर जा रहे। और गोली सोनू और गोगी तेरी बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन भीड़ अंकल तो सच में गाड़ी ले रहे यार। बोला था ना मैंने, बोला था, लेकिन सोनू मेरे बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे और तुम लोग भी नहीं कर रहे। सोसाइटी चलते और अब मैं और सोनू और गोगी को बोलूंगा कि भाई तू सच कह रहा था, चल चल चल। अभी तो तू रुक, तो भीड़ अंकल कौन सी गाड़ी ले रहे, कौन से कलर की गाड़ी ले रहे और कितने की गाड़ी ले रहे, ये भी मैं सब कुछ पता करके ही सोनू को बताऊंगा। तू चल। अरे भाई यार गोली तू भूल गया, तू लड़का नहीं लड़की है। साड़ी और भी पहनी है गोली, लेकिन अंदर है ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो लड़की की तरह रखती है, ठीक है? और आवाज भी राइट। हां रुक जा, परफेक्ट। चलो Thank you.